रंग साहब बहुत ट्रेजिक सूरत हाल है लाहौर की अगर बात करें तो आम शहरों में हम पहले दिन से ही लाहौर सरे फहरिस्त रहा है और आज भी अगर आप देखें तो रोजाना के बुनियाद पर 500 से 700 केसेस रिपोर्ट होते हैं। लेकिन कल जो दिन था वो बड़ा स्याह दिन था। 4 डॉक्टर्स जान की बाजी हार गए कोरोना की वजह से। एक लेडी डॉक्टर थी, एक 4th ईयर का बच्चा था जो कि बिल्कुल मेडिकल क्लियर करने वाला था, वो कोरोना की वजह से जाँ बहक हो गया। इसके अलावा एक गुजरांवाला के डॉक्टर नईम थे, साइकेट्रिस्ट थे, वो जान की बाजी हार गए। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि करेंटीना का जो एक लफ्ज है उसका मतलब है तिब्बी कैद, और कैद में किसी भी तरह की सहूलत मैसर नहीं होती। जब से हमने देखा है कि होम आइसोलेशन की इजाजत दी गई है, लोग इस बात को संजीदा नहीं ले रहे कि होम आइसोलेशन की इजाजत इसलिए दी गई है क्योंकि अस्पतालों में बिल्कुल जगह नहीं है। अब जो होम आइसोलेशन की पॉलिसीज है, लोग इतना ईजी हो गए कि शायद अब उनको इजाजत है। वो जो 11 पॉइंट्स है उन जिन शरायत को पूरी करना, वो बड़े बेसिक पॉइंट्स है, उनको लोग अमूमी तौर पर सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हैं। लेकिन जब वो घर में आइसोलेट हो रहे हैं तो मैंने 2-3 केसेस को खुद बजाते खुद मॉनिटर किया है, मैंने देखा है वहाँ पर लोग बिल्कुल अगर एक शख्स जिसमें कोरोना पॉजिटिव है और वो अपने घर में करंटीना हुआ है तो वो जी वॉक के लिए बाहर भी जा रहा है, इसी रास्ते से गुजर के जा रहा है कि मेरा दम घुट रहा है और या मैं बोर हो रहा हूँ। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि करंटीना का मतलब मुकम्मल तिब्बी कैद है। 14 दिन तक आप किसी भी शख्स से कॉन्टेक्ट में नहीं आ सकते। ये सूरत हाल अगर हमने थोड़ी सी नरमी की है कि हॉस्पिटल्स में नहीं रखा जा रहा, लेकिन हमसे SOP फॉलो नहीं हो रही। SOP ना बाहर फॉलो हो रही है ना होम आइसोलेशन के अंदर फॉलो हो रही है, बल्कि लोग बहुत इजी हो गए कि अगर उनको कोरोना होगा भी तो पहले तो एक खौफ था कि टीम आएगी उनको ले जाएगी, पूरे मोहल्ले को पता चलेगा। अब तो लोग बड़ा इजी हो गए कि एक परफॉर्मा जमा करवाएंगे और जितनी भी SOPs हैं वो उस पर पूरा उतर जाएंगे और वो घरों में आइसोलेट हो जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि जो डॉक्टर्स हैं उन पर भी बहुत ज्यादा बर्डन है और केसेस जैसे ज्यादा बढ़ रहे हैं तो रिसोर्सेस हमारे पास कम है, मैन पावर भी कम है इस हवाले से। तो जो हॉस्पिटल में डॉक्टर और जो टीम है उसमें बाकी भी बाहर बहुत काम देखने हैं। हर घर में जाकर मॉनिटर नहीं किया जा सक रहा अभी तक अनफॉर्चुनेटली, तो ये सूरत हाल में सोचनी पड़ेगी। बल्कि आज महकमा सेहत की जानेब से ये तजावीज भी दी गई है हुकूमत पंजाब को कि आप 28 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन लगा दें क्योंकि लोग केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अब क्रिटिकल केसेस बहुत ज्यादा बढ़े, लोग वेंटिलेटर पर फौरी शिफ्ट हो रहे हैं, लोगों का सांस का मसला बहुत ज्यादा बढ़ा, जिससे हम देख रहे हैं कि डेथ रेट